मैं एक प्रैक्टिकल के लिए करके बताऊंगी तो थोड़ा सा इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी जो प्रेशर पॉइंट्स से मसाज कैसे की जाती है, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया होता है ना हमारा, ठीक है, तो आपने मैं करके दिखाऊंगी और आप लोगों को अपने ऊपर भी करके देखना है, मेरे को देख देख के आपको करके देखना है, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। खुद करोगे प्रैक्टिकल तभी चीजें समझ में आएगी, ओके। आपने क्या करना है, जो आपका ये वाला एरिया है, ठीक है, आपका फोरहेड वाला एरिया है, यहाँ के सब ये जितने भी है ना हेड, ये वाला मेन जहाँ पर हमारे हेयर स्टार्ट हो रहे हैं, जब हम कॉम करते हैं तो यहीं से स्टार्ट होते हैं ना, तो इसको आपने क्या करना है, प्रेस करना है। यहाँ पे टक किया अपनी फिंगर टिप्स को, ये होते हैं फिंगर टिप्स, ऊपर के एरिए को फिंगर टिप्स, ठीक है। इससे आपने ऐसे प्रेशराइज किया, ठीक है, सर्कल में, ये जो होता है ना सर्कल है ना हमारा हाफ सर्कल, इस हाफ सर्कल में आपने प्रेशराइज किया, ओके, ठीक है। यहाँ पे आप प्रेशर दोगे, क्या करना है आपने, ये जो ईयर्स के साइड, दोनों साइड की, ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा सर्कल जैसे कहते हैं ना सर्कल्स के रूप में, ऐसे यहाँ से प्रेस करते हुए ये जो है ना यहाँ तक लेके जाना है। दिख रहे हैं सब बच्चों को, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पे आपने क्या करना है, प्रेस करना है और प्रेस करते करते ऊपर लेके जाओगे आप, ताकि बिल्कुल रिलैक्स हो जाए सामने वाला। ये भी मैं फर्स्ट पॉइंट बता रही हूँ, फर्स्ट में प्रेशर पॉइंट जो हमने प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम इसको रिलैक्स करेंगे ताकि सामने वाला रिलैक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं एक बार इनके हेयर्स खोलूं, इसमें क्या करेंगे हम, ऊपर वाले पॉइंट से स्टार्ट करके नीचे तक लेके आएंगे, साइड वाले पॉइंट से स्टार्ट करके यहाँ पर सेंटर पे खत्म करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट राइट है ना, लेफ्ट राइट से स्टार्ट करके हम सेंटर पे खत्म करेंगे और नीचे से स्टार्ट करके हम हमेशा सेंटर पे आके खत्म करना है हमें, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, जैसे प्रेशर पॉइंट से दबा, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है, ज्यादा जोर से प्रेस नहीं करना है। आपने क्या किया, ऐसे ऐसे स्टार्ट करके और कहाँ पर खत्म करेंगे हम, सेंटर में, ठीक है, सेंटर में ला के इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम साइड से स्टार्ट करेंगे, साइड से बिल्कुल हल्के हाथ से, ये नहीं हो कि भी क्लाइंट को बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है, आपने बिल्कुल हल्के हैंड से प्रेस करते करते कहाँ पर खत्म करना है, सेंटर में खत्म करना है। ऐसे ही आप लेफ्ट साइड से करोगे, आप लेफ्ट हैंड यूज करोगे और हल्के हल्के हाथ से प्रेस करके कहाँ पर खत्म करोगे, सेंटर में खत्म करोगे। ऐसे ही आप नीचे से है ना, नीचे से, नीचे वाले पार्ट से सेंटर में खत्म करोगे। समझ में आ गई? फर्स्ट मैंने आपको क्या बताई, फर्स्ट मैं आपको ये जो सर्कल है, फोरहेड है, फोरहेड पे स्टार्ट करके अपनी फिंगर टिप से आपने यहाँ पर मसाज देनी है और ये थंब है ना, थंब से आपने ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सर्कल करते हुए कहाँ पर ये जो है ना ये वाला पार्ट यहाँ पर आपने खत्म कर दिया। ये थंब लोगे, आपके थंब के जो फिंगर टिप्स हैं, थंब के फिंगर टिप से अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, ऐसे कर करके आपने पूरे हेड पे मसाज देंगे। पहले हम सेंटर पॉइंट पे करेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, यहां से किया। फिर हम जैसे यहां से करेंगे साइड सेंटर साइड से करेंगे, हम राइट हैंड साइड से डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, ऐसे ऐसे आप अप डाउन करके जिग जैग मसाज बोलेंगे इसको, ठीक है, आप जिग जैग मसाज बोलोगे। इधर से भी करना है आपने अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, जिग जैग समझ में आई? जिग जैग में अप डाउन करना है, थंब से करना है, थंब से करेंगे आप जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, सर्कलिंग मसाज भी बोल देते हैं या रोटेटिंग मसाज भी बोल देते हैं हम, फोर पार्टीशंस को में डिवाइड करें इसको अगर हेयर्स को, तो जैसे ये हमारा है ना आगे का पार्ट होता है, आगे के पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो अपनी फिंगर स्लिप होती है ना इसको लेंगे और ऐसे सर्कलिंग मसाज करेंगे, ठीक है, सर्कल से मसाज करके ऐसे प्रेस करना है,
थोड़ा से जैसे ऐसे रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे, ऐसा मतलब उसकी मसाज ऐसी करनी है कि जो क्लाइंट है उसको नींद आ जाए, मतलब उसको इतना रिलैक्स फील हुई कि भाई मेरी इतनी अच्छी मसाज हो रही है, मैं तो सो रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ। तो रिलैक्सिंग के लिए ही मसाज होती है हेड की। आपने क्या करना, अपने फिंगर टिप से स्टार्ट करना है और ऐसे सर्कल करके सर जरा सा बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेशर देना है और वहां पर छोड़ना है। ऐसे ही आप अपने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करोगे, सर्कल करोगे, ठीक है, और सर्कलिंग करोगे आप, उसके बाद आपने छोड़ देना है वहां पर। ऐसे ही पूरे हैंड में, इसको रोटेटिंग मसाज भी बोलते हैं और सर्कल मसाज भी बोलते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, ऐसे करा, ठीक है, ऐसे सर्कल करते करते पूरे हेड में मसाज देनी है, सर्कल करते करते ऐसे, ओके, सर्कल किया ऐसे, थोड़ा सा उस प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर क्या करना है आपने, ऐसे करना है, इधर देखो होना चाहिए, ऐसे ऐसे करोगे सर्कलिंग में और प्रेस करोगे, सर्कलिंग करोगे, प्रेस करोगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, ज्यादा ओवर प्रेशर नहीं लगाना, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है, प्रेशर देते हुए, ताकि क्लाइंट को बिल्कुल रिलैक्स फील हो। ओके, सबको समझ में आया है? और सबने प्रैक्टिकल करके भी देखना है, अपनी मम्मियों के पास के ऊपर कर सकते हो, जो भी आपकी चाची ताई, जो भी पास में हो, ये सिस्टर्स हो, भाभी हो, तो सब पे करके देख सकते हो आप, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे, ठीक है, ऐसे दबाएंगे, नीचे से दबाएंगे, ध्यान से नहीं सुन रहे ना आप, तभी तो आपको क्विक रिप्लाई आना चाहिए था। अब वाइब क्या करना है, एक जो हैंड है हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, हमें ओवर प्रेशर नहीं करना है, दूसरे हैंड से क्या करना है, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे और जैसे ना वाइब्रेट नहीं होती, अपने हैंड को वाइब्रेट करना है आपने, ठीक है, आपने हैंड से वाइब्रेट करते हुए ऐसे प्रेस करना है इसको, ठीक है, ताकि वाइब्रेशन सी फील हो, ठीक है, हो रही है ना बेटा आपको वाइब्रेशन फील, ऐसे वाइब्रेट करना है, ओके, ओवर प्रेशर नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज, आपको नेक को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना है, आपने इस वाले हैंड को, अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ पर आपने टच किया ताकि जो नेक पे प्रेशर ना आए, और दूसरे प्रेस करना है, ठीक है, करी जैसे सामने वाले को बिल्कुल अच्छे से ऐसे अच्छे से अच्छा सा फील हो जाए, ये लास्ट में करूंगी बिल्कुल, उसका सो जाऊंगा यहाँ पर, नींद आ जाएगी, है ना, इसलिए तो आता है कि लाइक कि मेरे को अच्छा सा फील हो, अच्छा सा बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, ठीक है, इसको टैपिंग मसाज भी बोलते हैं। टैपिंग में क्या होता है, टैपिंग में जैसे ऐसे ऐसे ये टिप्स होते हैं, लास्ट की मसाज होते हैं, ये फ्री हैंडलिंग तो आप बीच में भी करते हो, जैसे ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे, जैसे किसी ने मसाज आराम से ना हल्का सा बिल्कुल ऐसे ऐसे टच करते ना, आगे पीछे कैसे भी कर सकते, ठीक है, वाइब्रेटिंग में मैंने बताया आपको कैसे करेंगे वाइब्रेट, और रोटेटिंग में मैंने बताया सर्कुलर मोशन में आप करोगे, ठीक है ना, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना बेटा, ये ना सब आपके ही काम आने वाली चीजें, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। उसके बाद जब लास्ट में इसको सर्कुलर कर लोगे, ठीक है, सीधा रखो बेटा, और ऐसे करके हल्के हाथ से पकड़ के उसको खींच देना नहीं, हल्के हाथ से बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ पर पकड़ते हुए हेयर को आराम से जस्ट ऐसे करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, ठीक है, स्ट्रेच करना है, जैसे जरा सा बिल्कुल हल्का सा स्ट्रेच करना है, ताकि जो आपके हेयर्स है ना वो उसमें ऑब्जर्व हो जाए। ऐसे किया, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर लेना है और पकड़ के ऊपर ऊपर, आपका ऊपर हमेशा ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल वो कर दे, है ना, आपका हमेशा ऊपर हैंड होना चाहिए ताकि क्लाइंट के ऊपर प्रेशर जाए ही नहीं, कि उसको महसूस ही ना हो कि मुझे पेन हो रहा है, क्लाइंट को आपको पेन नहीं देना, आपको रिलैक्स करना है इसको, ठीक है, उसको जस्ट ऐसे हल्के हाथ से, ऐसे ही हम सारे सारे हेयर्स में हम ऐसे ही करेंगे, फिर जब लास्ट में हम, और इसको थोड़ा सा पीछे ऐसे देखो,
अब जैसे सर्कल किया, ठीक है, और सर्कल करने के बाद अब सारे हेयर्स ले, पहले तो हम थोड़े थोड़े लेंगे पार्टीशन में, पार्टीशन में लेके अभी हमने क्या करना है, ऊपर हमेशा हमारा हैंड होना चाहिए ताकि ओवर प्रेशर ना हो, उसकी नेक में कुछ पेन ना आए, हम हेड की मसाज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हैंड रखा, हल्के हाथ से इसको ट्विस्ट करते हुए थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, हल्के से ऐसे स्ट्रेच करेंगे, हल्के से ऐसे स्ट्रेच करेंगे, ओके फाइन। और उसके बाद ये तो यहाँ पर हमारी मसाज खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मसाज है ना, आप कई बार क्या होता है जब हेड पेन होता है तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारी आईज पे पड़ता है, मोस्टली देख लेना आप जिसके भी हेड पेन होता है, देखो जिनके स्पेक्स लगाते हैं, जो लोग स्पेक्स लगाते हैं उनको हेड पेन हो जाता है ना, कई बार हो जाता है ना, तो वहां पर ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ठीक है। आईब्रो में क्या करना है, आपने ये पकड़नी है, थोड़ी सी इसको रिलैक्स कर देना है, ऐसे 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 पकड़ना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे रिलैक्स कर दो, ठीक है, ऐसे करा और यहाँ से ऐसे रिलैक्स कर दो, ऐसे किया दोनों साइड से और आपने ऐसे रिलैक्स कर दोगे, ऐसे किया और रिलैक्स कर दोगे, ऐसे ही सेंटर पॉइंट्स पे आप आईब्रो की मसाज हो रही ना, सेंटर पॉइंट्स पे आप ऐसे करोगे और यहाँ पर आगे छोड़ोगे, ठीक है, सेंटर में हमने किया और बहुत रिलैक्स फील होता है इससे, ठीक है। अब वो तो आपकी थोड़ी टाइम की शॉर्ट इधर नहीं, बहुत टाइम लगता है, घंटा लग जाता है पूरा करने में हेड मसाज, तो उस बंदी को नींद ही आ जाती है जब उसकी हेड मसाज करते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके आपने यहाँ पर रिलैक्स करके छोड़ देना ताकि उसको रिलैक्स